लेकिन यही आईफोन रहता एकदम आईफोन लेंगे। ये गोरखपुर रिपोर्ट यही जाएगा और ये रूट जाएगा कूड़ाघाट। गाइस अभी बाइक ऐसे चालू करके छोड़ दिए हैं, कम से कम 2-3 मिनट तो स्टार्ट रहेगा। और ये रहता है 740 रुपये का डलवा है टोटल। ये गाड़ी चल चुकी है जब से मैंने लिया है, टैंक फुल है, लिटल है और हेडलाइट चल रहा है स्मॉक कर दिए। और 7/49 तारीख। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल बड़ो को प्रणाम चटको। हेलो, तो यार मम्मी कॉफ़ी छोड़ने और हम क्यों मफलर लगा हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि जब बाइक चलाते हैं ना तो गले में पूरा ठंडा जाता है। तो मैंने साल परचेस किया था, अगले साल ये मुझे 900 का पड़ा था और बहुत सॉफ्ट है ये। तो हम ऐसे मतलब इसमें कम 4 ठो लेकर गए थे, उसमें मेरे पास पेमेंट आया था तो 4-5 ले लिए थे, एक गायब हो गया, 4 बचा हुआ है। तो चलते हैं मम्मी कॉफ़ी छोड़ते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल भी डलवाते हैं और माइलेज क्या मिला देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। आपको पता होगा मेरे लाइफ में रियल फैक्ट हम दिखाते हैं, जो मेरे है रियल है वो रियल है। ये पूड़ी है और ये सब्जी है और ये रही दही, ठीक है। तो जो मैं खाता हूँ आपको रियल फैक्ट दिखाता हूँ है कि हमें बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो मेरा लैमटेन ए भी है टच वाला, ठीक है, मेरा सिस्टम है पूरा, ये एयरपोर्ट है, ठीक है, फोन होल्डर पड़ा हुआ और ये मेरा लैमटेन और ये सारा बुक है, ठीक है, और मेरा एक फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है। गाइस आपको पता है कि मैं हर एक चीज़ आपसे शेयर करता रहता हूँ, तो मैं एक बात फिर शेयर करना चाहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप जब भी बाइक चलाइए हेलमेट पहन के चलाइए। और यही नहीं, अगर आपके पीछे पिलियन सीट पे बैठे हुए हैं उनको भी हेलमेट पहनाइए। देखिए, जीवन एक बार मिला है, या तो अच्छे से आप जी लीजिए, या तो अच्छे से इंजॉय कर लीजिए, या तो अच्छे से अपने लाइफ में कोई इतिहास रच लीजिए। मुझे नहीं पता मैं मनुष्य की ज़िंदगी पाया हूँ ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा एक रियल लाइफ हो, मेरे ना रहने पे हमको लोग देख सकें और हमारी बातें सुन सकें, हम अपने लाइफ में क्या क्या किए थे वो सब देख सकें, हम कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, तो मेरी लाइफ में सब देख सकें। और यही मेरी सारी यादें यूट्यूब पे पड़ा रहेगा और ये आप हमारी फैमिली रहेंगे, अगर आप हमसे जुड़ते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैं अपनी लाइफ में कैसे मेहनत कर रहा हूँ। तो बस आप जब भी बाइक चलाइए हेलमेट पहन के बाइक चलाइए, पिलियन सीट पे बैठा तो उनको भी हेलमेट पहनाइए। और अभी तक मैं राइड पे क्यों नहीं निकला मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, 7:55 हो गया, अभी तो मैं जा रहा हूँ मम्मी कॉफ़ी छोड़ने, पेट्रोल भी डलवाना है पावर वाली, नॉर्मल डलवाते तो माइलेज नहीं मिलती है और पिकअप भी नहीं बढ़िया मिलता है, तो पावर डलवाते हैं ज़्यादा करके, आपको पता हो पुराने सब्सक्राइबर पता भी बहुत नए आए हैं तो उनके लिए थैंक यू दिल से। तो चलते पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद से कंटिन्यू ब्लॉक करते हैं और बाइक को दिखाते हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि लाइफ एक बार मिली है, अच्छे से जी लीजिए। चाय तो गाइस जैसे देख पा रहे हैं हम आए हैं बाइक के पास, मम्मी कितनी प्यार से हमको चाय भी, ब्लैक चाय, आपको पता होगा ब्लैक चाय पीते हैं हम। तो वैनम यहाँ पे, वैनम की तरफ से हम आपको हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं। ये भी मेरी बाइक, ये भी मैं मतलब जुपिटर हो और ये मेरी बाइक वैनम है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेहनत से खरीदे हैं ना, अभी तो करीब कम से कम 50 बाइक खरीदना है, मेहनत कर रहे हैं, सारा मेहनत आपको यूट्यूब पे ही पता लगेगा। तो चलते हैं चाय पीते हैं, पहुँचते हैं, मम्मी कॉफी छोड़ते हैं, तेल भी ख़त्म हो गया है। हेलो माय हीरो, तो गाइस आप दिख पा रहे होंगे यहाँ पे येलो कलर का लाइट दिखा दिया और यहाँ पे टुक टुक कर रहा है और बाइक स्टैंड पे है और ये इंजन का है, जब बाइक चलेगी तेज़ ई बूट जाएगा, बाइक में कुछ ख़राबी रहेगा तो चालू रहेगा। तो पेट्रोल भी डलवाते हैं और चला है 448 किलोमीटर। गाइस अभी बाइक ऐसे चालू करके छोड़ दिए हैं, कम से कम 2-3 मिनट तो स्टार्ट रहेगा।
तब तक मम्मी भी आ जाएंगी। चार सौ उनचास चला और इसको ट्रिप को जीरो करते हैं। 6587 चला, 6587। ठीक, अब इसको भी जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, ट्रिप ए को भी। और ये टोटल है, आप तेल डराएंगे फिर इसके बाद से जीरो करेंगे। तो ये रहा टंकी और ये रहा मीटर और ये रहा पेट्रोल पम्प। तो गाइस पेट्रोल डलवाने आया है, डलवा के फिर आपको दिखाते हैं। और धर्मशाले डलवाते आपको पता ही होगा। और यहाँ पे नाम तो दिखना चाहिए, शायद दिख नहीं रहा ना, भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है। ऊपर आ चुका है, 740 रुपये का डलवा है और इसको ऑन करते हैं। और टैंक खुल चुका है, न्यूट्रल पे है। इसको ट्रिप को जीरो करते हैं, ए को जीरो हो गया और बी को भी जीरो करते हैं। तो टोटल चल चुका है 6594 टोटल ये गाड़ी चल चुकी है जब से मैंने लिया है। और टैंक फुल है, न्यूट्रल है और हेडलाइट जल रहा है, इसको ऑफ कर दिए। और ट्रिप को ए को जीरो कर दिए, ट्रिप बी को भी जीरो कर दिए, फिर उसके बाद से ट्रिप ए को रख दिए। अब 740 में कितना चलती है नेक्स्ट ब्लॉक में आपको जब पेट्रोल डलवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलते हैं चाय और बंधानी बैंक रोड पे, आपको पता है वहीं से चाय पीते हैं। और ये धर्मशाले का रोड है और ये आपका दुर्गवाड़ी जाएगा, दुर्गवाड़ी होके सूरजकुंड और आगे सुन सागर से मुड़ जाएंगे बैंक रोड बंद। और ये रचा है और अब रहता है, मैं टाइम दिखाता हूँ गाइस, सब कुछ रियल, आपको ये ना लगे कि एडिटिंग करके इधर उधर किए हैं, सब कुछ रियल दिखाएंगे आपको। गाइस घर पे आ चुके हैं और एक पंगा हो गया, पंगा ये हो गया ना कि कोई कह दिया कि मम्मी से मैं बाइक तेज़ चलाता हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, 40 से 50 की स्पीड रखता हूँ जब भी मैं बाइक चलाता हूँ, या जुपिटर चलाता था जब भी 40 से 50 रखता हूँ, और हीरो स्प्लेंडर वैनम भी चलाते हैं 40 से 50 ही रखते हैं। देखिए जीवन एक बार मिला है, अच्छे से जी लें और अच्छे खासे खा पी लें और आप लोग का प्यार बना रहे। तो रैली बता रहे हैं भाई बाइक तेज़ नहीं चलाता हूँ, और अगर बाइक तेज़ चलाता हूँ तो जब मेरा मूड ऑफ रहता है और जब मुझे ऐसा कोई कुछ बोल देता है जो दिमाग में चढ़ जाता है, फिर उसके बाद से एक होता है सुसाइड करना, मर जाना, तो वो सिस्टम है। तो हमारे तीन भाई थे, हमको लेके तीन भाई हैं, एक भाई वाटर एक्सीडेंट में तो हो गया, तो एक भाई हैं तो बोलते हैं कि दो हिस्सा लगेगा, दो हिस्सा बोले तो समझ रहे हैं, मतलब तीन भाई में एक हिस्सा चला गया, एक भाई चला गया तो दो हिस्सा लगेगा। तो ठीक है भाई, हम एक ही चीज़ को जानते हैं, मम्मी पापा बाप दादा की धन दौलत से मैं कोई मतलब नहीं है, मैं जो कमा के खरीदूंगा वो मेरी संपत्ति होगा। और मैं रियल बता दूं, मम्मी बोलती हैं कि शादी कर लो, मैं मम्मी को बोल चुका हूं मैं कमा के घर खरीदूंगा, उस घर में अपनी वाइफ को लाऊंगा, और लोग फोर व्हीलर जो चार पहिया होता है गाइस ना, वो भाड़े पे बांध कर अपनी वाइफ को लाते हैं। मेरा ड्रीम क्या है कि मेरा खुद का घर हो, खुद का फोर व्हीलर हो, मैं अपने वाइफ को उस कार में लाऊं जो मेरी कमाई का हो, मेरे नाम पे गाड़ी हो और मेरे घर पे खड़ी हो, और मेरी वाइफ हमेशा कहे कि हम इसी कार में आए थे पहली बार इस घर में। तो लोगों की मैं कभी किसी अपने आप से कंपेयर नहीं करता हूँ, रियली मैं कभी भी अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करता हूँ। मेरा ड्रीम है मेरा खुद का घर हो, मेरा खुद का चार पहिया हो और मेरी वाइफ हमेशा खुश रहे, किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसे पापा मम्मी को हैप्पी रखते थे, वैसा हर चाहते हैं कि हम भी अपने वाइफ को हैप्पी रखें। और मम्मी मेरी मम्मी बहुत अपने लाइफ में मेहनत की हैं, तो मम्मी के ऊपर इसलिए प्रेशर ही डालते हैं। देखो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें एक स्त्री से नहीं मांगना है, हमें
काम करके मेहनत करके हासिल करना है। YouTube पे है, आप लोग को पता लग रहा होगा मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ वो इसलिए कि जेड तक मैं कोई भी सामान खरीदता हूँ ना उसका बिल भी दिखाता हूँ। गाइस मैंने खरीदा और ये बिल है, ठीक है। जैसे मैं पेट्रोल भी डलवाता हूँ तो आपको बिल भी दिखाता हूँ, ठीक है। कभी कल नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि ट्रैफिक में, बिजी में, मूड ऑफ रहता है तो नहीं दिखा पाते, लेकिन हर एक चीज़ शेयर करते हैं। तो मेरा ड्रीम है खुद का घर हो और खुद का फोर व्हीलर हो। मेरी वाइफ अगर पहली बार उस कार में आए, कार से घर पर आए, तो हमेशा मेरे घर पर कार बची हो। कार अगर वो 15 साल वैलिड खत्म हो जाएगा तो उसको कार को नहीं बेचेंगे। जैसे हम जुपिटर को नहीं बेच रहे हैं, साइकिल को नहीं बेच रहे हैं, हीरो स्प्लेंडर को नहीं बेचेंगे, जितनी व्हीकल खरीदेंगे उसको भी नहीं बेचेंगे। और यही नहीं, हम आपको बता दें कोई फैमिली में बोला 1250 BMW हम नहीं खरीद पाएंगे, तो गाइस हम बता दें आपको, अब 1250 छोड़ो, निंजा S2 खरीदने की औकात रखे हैं। जी हाँ, जो आती है 40 से 45 लाख का निंजा S2R, ठीक है, वो मैं खरीदने के लिए रखा हूँ। तो 1250 तो आपकी कितनी है, 27 लाख की है, घर आते थे 30 लाख का पड़ जाएगा। तो भाई लाइफ में कब क्या हो जाएगा ना किसी को पता नहीं है। बस मेरा टारगेट क्या है कि मैं मेहनत करूँगा तभी मैं कुछ ला पाऊँगा। तो मैं हर एक चीज़ आपसे शेयर करता रहता हूँ और मैं अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा हूँ। और भाई कभी कंपेयर मत करना, भाई किसी में कंपेयर नहीं करता हूँ। मैं जान गया हूँ कि हर फल का स्वाद अलग अलग होता था। डीमो मम्मी ये कहना चाहते हैं अमरुद है या सेव है, और मैं सेव तो हमेशा खाता रहता हूँ। मैं आपको प्रेजेंट में दिखाऊँगा, मैं बट रखा हुआ मैं दिखाता हूँ आपको सेव। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, डेली आधा किलो 1 किलो में सेव लाता हूँ। मॉर्निंग में 1 सेव डेली खाता हूँ, ठीक है। जो चीज़ बोलता हूँ चीज़ करता हूँ दिखाता हूँ। मैं पहले बोला हूँ कि अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करता हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर 40 से 45 लाख का लोग कार खरीदते हैं, फार्चुनर खरीदते हैं, फार्चुनर भी हम खरीदेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी नहीं खरीदूंगा, मैं उस कंडीशन में रहूंगा तो खरीदूंगा। अगर मेरे पास 5 करोड़ रहेगा तो मैं फार्चुनर खरीदूंगा, अगर 1 करोड़ रहेगा तो निंजा S2 लेके आएंगे। तो कभी भी जीवन में कुछ पलट हो सकता है, लेकिन हाँ मैं यही बात हमेशा भी पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर मेरे अंदर हमसे कहीं मिस्टेक हो जाए बोलने में, या कभी घमंड आ जाए, कभी एटीट्यूड हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे, उस चीज़ को हम सुधार करेंगे। क्योंकि हम अक्सर यही चीज़ कहते हैं हमेशा कि कभी भी अपने आप को बदलिए मत। बदल वो जाते हैं जो बीता हुआ चीज़ को ध्यान में नहीं रखे रहते हैं। मुझे अपनी गरीबी पती है, हमें पता है मैं कहाँ से कहाँ हूँ। अगर मैं बता दूँ ये मैं पहना हूँ ना, ये 3 साल का जैकेट है, 3 साल का। मैं ऐसा नहीं है कि खरीद नहीं सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, 10,000 का 20,000 का जैकेट खरीद सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमें ज़रूरत क्या है, हमें बाइक लेना है और बाइक के साथ हमें GoPro सेटअप भी करना है, जो महंगा सेटअप करना है, क्योंकि कहाँ करना है, YouTube पे करना है। तो अगर मैं अच्छी क्वालिटी दिखा सकता हूँ तभी तो आपको देखने में मजा आएगा। हाँ कभी कल आप लोग को बोरिंग लगता होगा, लेकिन मैं रियल फैक्ट बताता हूँ, सच्चाई के साथ हर इंसान नहीं खड़ा होता है, लेकिन झूठ के ज़्यादा खड़ा हो जाता है। लेकिन हम मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ रहता है मैं यूट्यूब पर पूरा शेयर कर देता हूँ। मैं अपनी लाइफ में दो चीज़ ज़्यादा फोकस किया हूँ, खुद का घर हो और खुद का फोर व्हीलर हो, और हम जिस गर्ल से हम शादी करेंगे वो हमारी फोर व्हीलर पर आए और फोर व्हीलर मेरे नाम पर हो। आज भी साइकिल मेरे नाम पर है, जुपिटर मेरे नाम पे है, वैना मेरे नाम पे है, और जो मैं खरीदूंगा गैस बिल को हमेशा दिमाग में रखिएगा। मैं जो भी खरीदूंगा बिल जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग को भी पता हो मेरा ब्लॉग ये नहीं, मेरी रियल कहानी है। अगर मैं यूट्यूब पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो आप लोग भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, फ्रेंड देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं, और रिश्तेदार देख रहे हैं, फैमिली देख रही है, सब कुछ देखती है। लेकिन मैं सब कुछ मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ सब कुछ यूट्यूब पे पता चलेगा। इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट में स्टोरी लगाते रहते हैं, निखिल राज बाजपा आईडी पर जाकर वहाँ फॉलो कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। लेकिन जो भी करूँगा सब कुछ शेयर करते रहूँगा। लेकिन मम्मी बोल रहे हैं अभी शादी करने के लिए, मैं शादी नहीं करी क्योंकि हमारे पास अभी खुद का फोर व्हीलर नहीं है, घर नहीं है, तो मैं शादी कहाँ से कर लूँ। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वाइफ को कोई भी गल आए, कोई भी जीवन में कोई भी गल आए हमारे में, किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर उनसे मांगने से पहले हम उसको दे दें, एक होता है प्यार की, पता क्या कहते हैं गाइस, प्यार उसे कहते हैं कि आपकी वाइफ है और आपको उससे पहले आपको पता चल जाए कि किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ला दे दीजिए। उसमें क्या रहा है, उसमें प्यार नहीं, स्वाभिमान की बात होती है, रिस्पेक्ट की बात होती है, उनको भावना को समझिए। अगर आप शादी किए हैं तो आपको पता होगा वाइफ को कैसे खुश रखना, मुझे तो पता है कैसे रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप शादी कर लोगे तभी पता रहेगा। हर स्त्री को पता है धन दौलत प्यार नहीं, इज्जत चाहिए, इज्जत। अगर आप अपने औरत को इज्जत देंगे ना तो पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे आपको ऊपर। बहुत लोग कहते हैं कि शॉपिंग करो, एंजॉय करो, डिस्काउंट करो, घुमाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक गर्ल को सिर्फ इज्जत चाहिए,
अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे ना तो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। अगर पैसा कौड़ी धन कपड़ा लौपा शॉपिंग खिलाएंगे ना और उसके बाद इज्जत नहीं देंगे ना तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, फिर कोई वैल्यू है ही नहीं। आप इज्जत नहीं दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, क्या मतलब है, कुछ वैल्यू नहीं है। तो आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ रिस्पेक्ट देना और ज़रूरी से एकदम आप करके बात करना अपने वाइफ से, कभी तुम मत करना। अगर दीदी ना आप तुम करके बात करने लगे अपने वाइफ से तो फिर समझ लीजिए आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो प्यार में इतना भी पागल मत होइएगा कि वाइफ को सबको दीजिएगा, पहले अपने आप को। जैसे मैं अपने आप को पहले मजबूत करूँगा, घर खरीदूँगा, फोर व्हीलर खरीदूँगा, आप लोग का प्यार पाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा, मैं हर एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा। लेकिन बस आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आप वीडियो को शेयर करना है, सपोर्ट करना है। बाकी अच्छा भी तरह है मेरे साथ, बढ़िया हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो यहाँ तक ब्लॉग देखें, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, अगर मैंने गलत बोला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोला हो तो। तो यहाँ तक ब्लॉग देखें तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं राइट करूँगा, बस थोड़ा सा बचत वचत हो जाए, मेरा काम हो जाए, फिर मैं राइट करूँगा। हमेशा अक्सर रात में आते हैं चाय पीने, लेकिन सुबह भी आते हैं नंदा नगर। और आप बगल में देख रहे हैं शशि और हम आए हुए हैं। तो इस समय ठंडी का माहौल चल रहा है, सारे यूट्यूबर राइड पे निकल रहे हैं। चाय और ये रहा चाय शशि का, और रही बहन है यहाँ पे, ये गोरखपुरी पट ही जाएगा और ये रोड जाएगा कूड़ाघाट। क्लियर नहीं दिख रहा है, दिखो हमको लग रहा होगा ना। लेकिन ये आईफोन रहता एकदम ले लेता आईफोन यार, अंदर आईफोन लेंगे। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो जूम करने में फट रहा है, क्यों फट रहा है, क्योंकि आईफोन है नहीं, आईफोन लेने में फटेगा नहीं। तो चाय पीने के बाद नौका बिहार पे आए हैं, और अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है वैनम। हमेशा रात को दिखाते हैं, आज टाइम आपका हो रहा है 12:45, इसमें तो दिख नहीं रहा लेकिन 12:45 हो रहा है। और अभी जो रेलिंग है ना साइड से, यहाँ पे काम चल रहा है, और एस्पीड यहाँ दिया हुआ है 30, लेकिन यहाँ पे चल रहे कम से कम 80-90।